दोस्तों किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर का नाम आते ही आंखों के सामने एक अलग ही चेहरा आ जाता है। किन्नर एक ऐसी प्रजाति है जो न ही महिलाओं में आती है और न ही पुरुषों में। ये एक ऐसी प्रजाति है जिनकी जिंदगी में न ही शादी होती है और न ही प्रेम। सदियों से किन्नर हमारे बीच रहते आए हैं, लेकिन समाज में उन्हें जो दर्जा मिलना चाहिए अभी भी उन्हें नहीं मिल पाया है। हालांकि विदेशों में किन्नरों यानी कि ट्रांसजेंडर्स को आज समाज का हिस्सा मानकर पूरी आजादी दी गई है। वहाँ इंसान उन्हें टेढ़ी नजरों से नहीं देखता और किन्नर वहाँ खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही किन्नरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती पर दुनिया भर के लोग मरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अमेलिया मालतेपे की। अमेलिया एक मॉडल है और मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अमेलिया का जन्म बांग्लादेश के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। अमेलिया के पिता काफी सख्त थे। उनके घर में हर चीज को करने की रोक टोक थे। वो अपने मन से किसी चीज को नहीं कर सकते थे। जब उनके घर वालों को इस बात का पता चला कि अमेलिया एक ट्रांसजेंडर हैं, तो उन्होंने अमेलिया को घर से निकाल दिया। उसके बाद अमेलिया जापान चली गई। वहाँ उन्होंने अपने शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस करवाए और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। अमेलिया को शुरू से ही मॉडलिंग बहुत पसंद थे। आज अमेलिया वर्ल्ड की फेमस मॉडल्स में से एक है। जब वो एक सफल मॉडल बन गए थे तो उन्होंने दुनिया को ये बात बताई थी कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं। इससे पहले ये बात सिर्फ उनको और उनके घर वालों को ही पता थे। दोस्तों अब बात करते हैं जेना तलाकोवा के। जेना का जन्म 15 अक्टूबर 1988 को वैंकूवर कनाडा में हुआ था। जेना को बचपन से ही मॉडलिंग का बहुत शौक था। जेना बड़ी होकर एक मॉडल बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की और फिर 2012 में मिस यूनिवर्स कनाडा पेजेंट में भाग लिया। वहां से मीडिया का ध्यान उनकी खूबसूरती पर गया। जेना ने ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए कई काम किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जेना को बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट प्रमोशन के फोटोशूट के लिए कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं थलिता ज़ैम्पिरोली के, जो एक ब्राजीलियन मॉडल है। थलिता ज़ैम्पिरोली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मॉडलिंग से जुड़ी हुई पोस्ट अक्सर शेयर करते हैं और इन्हीं फोटोज की वजह से थलिता ज़ैम्पिरोली फेमस हुए। थलिता इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि पहले किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक ट्रांसजेंडर हैं। जब थलिता मॉडलिंग से फेमस हुई तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने इस बात को कन्फेस किया कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं, तो उस बात को जानने के बाद उनके कई मॉडलिंग इवेंट्स कैंसिल हो गए थे। वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं। पर जहां लोगों ने उन्हें उनके ट्रांसजेंडर होने पर ठुकरा दिया, तो उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग ऐसी भी थी जिसने उनका साथ नहीं छोड़ा। आपको बताते हैं थलिता ने कई मूवीज और वेब सीरीज में काम किया हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रांसजेंडर मॉडल की जिन्हें दुनिया की सबसे हॉट मॉडल कहा जाता है। दोस्तों हम बात करें कार्मन करेरा के। कार्मन एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन रियलिटी टीवी हस्ती और कलाकार हैं। वो पहले से ही फैशन की दुनिया में अपनी जगह बना चुके हैं। आज लोग उन्हें किन्नर की नजरों से नहीं बल्कि एक खूबसूरत सुंदरी के तौर पर जानते हैं और उनसे मिलने की कोशिशें करते हैं। आपको बता दें कार्मन ने खुद ही मीडिया के सामने ये स्वीकार किया था कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं। वो मानती हैं कि इसे बताने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। कार्मन को स्टारडम तब मिला जब वो एक रियलिटी टीवी स्टार और मॉडल के रूप में विनर रूपॉल्स ड्रैग रेस सीजन 3 में दिखाई दें। इस सीजन के बाद से लोग कार्मन को काफी ज्यादा पसंद करने लगे। आपको बता दें कि कार्मन ट्रांसजेंडर राइट्स की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए इन्होंने हमेशा समर्थन किया है। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रांसजेंडर की जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आंद्रेज पेजेक के। दोस्तों आंद्रेज पेजेक का जन्म 28 अगस्त 1991 में हुआ था। आंद्रेज पेजेक एक ऑस्ट्रेलियाई टॉप क्लास मॉडल हैं और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हैं। वो पुरुष और महिला दोनों के कपड़ों में मॉडलिंग करने की अपनी अनूठी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आंद्रेज पेजेक को उनके सबसे खूबसूरत महिला लुक के लिए जाना जाता है और उन्होंने हाल ही में model.com की सूची में 18वीं रैंकिंग हासिल की थी। जनवरी 2011 के पेरिस फैशन शो में उनके जीवन की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना घटी, जहां उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के साथ रैंप पे चलते हुए अपना असली कौशल दिखाया और उस समय उन्हें उनकी अनूठी क्षमता के लिए दुनिया भर में पहचाना गया। और साल 2011 में ही उन्होंने जॉन पॉल गॉटलियर शो में महिलाओं के रूप में और मार्क जेकब्स शो में पुरुष के रूप में भाग लिया। आपको बता दें 2011 में उन्हें विश्व की 100 सबसे सेक्सीएस्ट वुमेन की FHM मैगजीन लिस्ट की सूची में 98th रैंक हासिल हुए थे। दोस्तों अब बात करते हैं एक ब्राजीलियन मॉडल वैलेंटिना सैम्पाइयो के। वैलेंटिना का जन्म 10 दिसंबर 1996 को ब्राजील में हुआ था। वैलेंटिना की माँ एक स्कूल में पढ़ाते हैं। वैलेंटिना बताती हैं कि जब वो 8 साल के थे तब उन्हें पहली बार महसूस हुआ था कि वो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से थोड़ी अलग हैं। जब उन्होंने ये बात अपने घर वालों से बताई तो उनके घर वालों ने वैलेंटिना का पूरा समर्थन किया। वैलेंटिना ने 2019 में पहली बार एक फैशन शो में ट्रांसजेंडर के रूप में भाग लिया था। यहाँ से उन्हें एक अच्छी पहचान मिली
लोगों ने उनकी खूबसूरती को काफी पसंद किया। वैलेंटिना डियोर, H&M, लॉरियल, मार्क जेकब्स और मोशिनो जैसे कई बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रमोशन में देखे जाते हैं। वैलेंटिना पहली ऐसी ट्रांसजेंडर मॉडल हैं, जिन्हें वोग पेरिस कवर में जगह मिले है। वैलेंटिना को 2017 में रिलीज हुई फिल्म बोनस प्रोक्योरा में भी देखा गया था। दोस्तों अब बात करते हैं आइसिस किंग के। आइसिस किंग एक अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल है। आइसिस को इस जनरेशन की इन्फ्लुएंशियल ट्रांसजेंडर वुमेन के रूप में देखा जाता है। आइसिस ने एल वर्ल्ड, जनरेशन क्यू, इक्वल, गुड ट्रबल, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल और शिमलेस जैसे हिट नेटफ्लिक्स सीरीज में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। आइसिस फिलाडेल्फिया के आर्ट्स इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं। आइसिस ने आर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ फिलाडेल्फिया में ही फैशन क्लब के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था और 2005 में बेस्ट इवनिंग वेयर का अवार्ड जीता था। आइसिस अमेरिका के नेक्स्ट टॉप मॉडल पे कम्पीट करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। दोस्तों अब बात करते हैं एक और अमेरिकन मॉडल और एक्ट्रेस हैरी नेफ के। हैरी नेफ का जन्म 21 अक्टूबर 1992 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड नेफ है, जबकि उनकी माँ का नाम रॉबिन स्लेपनिक है। जब वो 2 साल की थीं, तब इनके माता पिता का तलाक हो गया। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ न्यूटन मैसाचुसेट्स चली गईं। हैरी ने 2011 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स किया और 2015 में ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स का कोर्स पूरा कर लिया। हैरी पहली ऐसी ट्रांसजेंडर हैं जो एक लेखिका भी हैं। हैरी ने मॉडलिंग के अलावा फिल्मों और टीवी शोज में भी अभिनय किया है। उन्होंने साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो यू में ब्लाइथ की भूमिका निभाई है। हैरी टम्बलर और इंस्टाग्राम पे एक फेमस LGBT सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें LGBT के रूप में एक ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना दिया है जिसे लोगों ने सबसे ज्यादा फॉलो किया है। दोस्तों अब बात करते हैं लेना ब्लूम के। लेना ब्लूम का जन्म 25 अप्रैल 1990 को शिकागो में हुआ था। ब्लूम का बचपन बहुत ही कठिनाइयों के साथ बीता। जन्म के बाद लेना के पिता ने उनकी माँ को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के साथ रहते थे। बचपन में उन्हें डांस में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने बैले, लिरिकल हिप हॉप, मॉडर्न जैज, टैप और वोग जैसे डांस में स्टाइल सीखे और एक वर्सेटाइल डांसर बन गए। इन दिनों ब्लूम दिन भर एक रेस्टोरेंट में काम करते थे और रात में डांस की प्रैक्टिस करते थे। जब वो 14 साल की थीं, तो उन्होंने अमेरिका बैलेट थिएटर के मंच पर अपना डांस प्रस्तुत किया। उनके परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें शिकागो आर्ट एकेडमी से स्कॉलरशिप मिले। लेकिन जब लोगों को पता चला कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं, तो उन्हें प्रोग्राम में भाग नहीं लेने दिया गया और उन्हें अकेडमी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद वो न्यूयॉर्क चली गईं और वहां पर जाकर भी उन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क में ब्लूम जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी, वहीं पर रात में एक डांसर के रूप में नाचने लगे, जहां पर उनकी खूबसूरती और नाचने के कौशल को लोगों ने पहचाना, जिसके बाद उनके एक साथी ने उन्हें मॉडलिंग में करियर बनाने की सलाह दी, जिसके बाद वो 2017 में वोग इंडिया में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी। दोस्तों अब बात करते हैं जीना रोके। जीना का जन्म फिलीपींस में हुआ था। जीना जब 15 साल के थे, तब से उन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स में कम्पीट करना शुरू कर दिया था। जीना एक सुपर मॉडल के अलावा एक एडवोकेट और टेड स्पीकर भी हैं। जीना ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को बढ़ाने के उद्देश्य से वकालत की थी और ट्रांसजेंडर्स के लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया था। साल 2014 में CNDY मैगजीन के 5th एनिवर्सरी पर CNDA के कवर पर जैनेट मॉक, कार्मेन करेरा, लवरीन कॉक्स, जिजेल अलेशा, लेना रेमोस, डीना मरे, जीना रोकेरो और नीना पून जैसे और कई ट्रांसजेंडर्स के इंटरव्यूज को पब्लिश किया गया था, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को समान अधिकार देने की बात कहे गए थे। उसमें कहा गया था कि अब ट्रांसजेंडर्स भी समाज के और लोगों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली ट्रांसजेंडर्स, जो प्रभावशाली होने के साथ साथ काफी एस्टॉनिशिंग भी हैं। आपको इनमें से सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव ट्रांसजेंडर कौन सी लगे, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।